सतीश बागुल रेशम क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों पॉइंट्स और यूनिट मतलब आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। In next lecture, in today's lecture, we discuss about the flow of charge and how the current is generated, means current conduction in a metallic conductor. Current conduction in a metallic conductor is totally depends upon the free electrons, no doubt. In last lecture, we discuss about in solid, liquid or gaseous, which are carrier for the conduction of electric current. जैसे हमने last lecture में पढ़ा था कि solid, liquid और gaseous में carrier of current क्या होते हैं, यह हमने last lecture में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप रेशम क्लासेस YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर में ये आप यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं, दोनों आर्टिकल्स आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। पिछले दोनों लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम्स होमवर्क भी दिए थे, वो काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी किए हैं, अच्छी तरह से सॉल्व किए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाले हैं। मैं उन सभी बच्चों को सैल्यूट करता हूँ और इसी तरह हमें रिस्पॉन्स दे के हमारा उत्साह बढ़ाइए। I hope the journey of YouTube channel is successful with our brilliant students, and those students are like our lectures, and we are very very happy in today's condition. हम आपकी वजह से YouTube channel का journey successfully travel करेंगे और आपके साथ में हमेशा बने रहेंगे। चलो आप हमारे lecture की तरफ आते हैं। सभी घर में होंगे, सेफ होंगे। फिर से एक बार कहता हूँ, बाहर लॉकडाउन है और बाहर लॉकडाउन है तो अपने दिमाग और मन के सभी लॉकडाउन आप खोल दीजिए और आज का लेक्चर सुनिए। आज का लेक्चर हमें कहाँ लेके जाएगा? जर्नी ऑफ दिस टुडेज लेक्चर इज द करंट कंडक्ट इन अ मेटल, बट व्हाई, विच पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो हम ऐसा सोचेंगे कि जैसे ये एक मेटल कंडक्टर है, जैसे आयरन का रॉड है, इस आयरन रॉड में से कंडक्टर जाता है, पर कब जाएगा? जब इसे हम करंट कैरिंग वायर टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से इसमें से करंट जाएगा। व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आयरन रॉड, the current carrying wires are connected to the two ends, that is higher potential or lower potential, means positive terminal or negative terminal, at that time this iron rod conduct the electric current. अभी यहाँ पर जो rod मेरे हाथ में है, this rod is just a iron rod. This rod is not connected with the cell or battery or any conducting wire. Then what happened about the number of free electrons are present in the iron rod? तो अभी मेरे हाथ में जो रॉड है, मुझे कोई ना करंट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना मुझे शॉक लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, करंट भी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं रहा है, मतलब अभी हम ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो ये भी पढ़ते हैं कि करंट कंडक्टेड बाय एनी मेटल ड्यू टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमें करंट का सेंसेशन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक वायर्स जो करंट कंडक्ट करती है, वही कनेक्ट करने से करंट वहां से क्यों फ्लो होता है? देखिए बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, हम ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। व्हाई नो करंट इज एस्टेब्लिश इन द वायर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बात मैंने अभी बताई कि एक कंडक्टर है,
उसको हम करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर नहीं लगा रहे हैं, तो वहां से करंट एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कुछ भी पैरामीटर्स करने के लिए आप जहां भी जाए, आप कंपनी में काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं पर भी आप काम करते हैं, वहां पर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, लॉज होते हैं। जैसे अभी कोरोना की कंडीशन में जो लॉज बनाए हैं, वो लॉज और रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो वहां पर हम इस लड़ाई में जीत सकेंगे। और इस लड़ाई में जीतना है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो होना है, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिक्वायर्ड, एट दैट टाइम द सर्टन पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी फॉलो करते होंगे, नो डाउट। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो करते हैं, वहां की जो भी रूल्स है उसके अनुसार आप चलेंगे, क्योंकि स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस किसके लिए होते हैं? स्टूडेंट्स, टीचर, सभी के लिए होते हैं। अनुशासन जो है, उसी तरह से आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो सभी स्टूडेंट्स लोगों का, स्कूल का, टीचर्स का नाम आगे जाता है, राइट? तो उसी तरह से यहाँ पर भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज जो है उन्हें डिसिप्लिन में फ्लो होना पड़ता है, वो आगे जाके आपको ध्यान में आएगा। जैसे कि हम जब आगे ऐसा पढ़ते हैं, देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे शरारती भी होते हैं, मस्ती करते हैं, तो वहां पर जैसे रैंडम मोशन, जैसे स्कूल में या क्लास में कोई टीचर नहीं है और आने में देरी हो गई 5 मिनट 10 मिनट, तो स्कूल में क्लास में जो बच्चों की अवस्था होती है वो कैसी होती है कि रैंडमली कोई किसी के पास गप्पे मार रहा है, कोई किसी के पास जैसे मस्ती कर रहा है, ऐसी होती है। तो उसी तरह से कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम मोशन में होते हैं। और देखा जाए तो मेटल्स जो भी है वहां पर, मीन्स मेटल वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर अबाउट 10^28 मीटर पर मीटर क्यूब होते हैं। मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर अबाउट द 10^28 मीटर पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10^28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा बताया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंडक्टर को नहीं लगा रहे, व्हेनेवर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू द कंडक्टर, एट दैट टाइम ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स ओन एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, किडनी है, जब भी सभी अपने अपने फंक्शंस करते रहते हैं, उनको सबको थर्मल एनर्जी होती है। हर एक को अपनी एक एनर्जी होती है, उसे हम थर्मल एनर्जी बताते हैं। और थर्मल एनर्जी, युक्त थर्मल एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, एंड देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सफिशियंटली नियर अबाउट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर। देखिए 10^5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन में रहते, कितनी ज्यादा मात्रा में वेलोसिटी, वेरी मच, 10^5 मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचर पर मेटल कंडक्टर जो है उसमें वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है 10^5 मीटर पर सेकंड। व्हेनेवर द रैंडमली ओरिएंटिंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट देयर इज अ नो नेट ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज। देयर इज अ नो नेट ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे रैंडम वेलोसिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एट दैट टाइम द नेट मोमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो एस्टेब्लिशिंग द करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब रैंडम मोशन है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को कोई भी पर्टिकुलर दिशा नहीं है, नो नेट मोमेंट ऑफ चार्ज नहीं है, तो वहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन न होने की वजह से देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, नो नेट मोमेंट, दैट्स व्हाई द कंडक्टर नॉट एस्टेब्लिश द करंट इनसाइड द कंडक्टर, एंड दैट्स व्हाई इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो करंट इज जनरेट। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर, इसका मतलब तो कॉपर एल्यूमिनियम आयरन रॉड मेटल कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, राइट, रैंडम मोशन, जैसे टीचर क्लास में नहीं है तो रैंडम मोशन बच्चों का होता है, वैसे ही होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड ड्यूरिंग दिस मोशन, जब मोशन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली होता है, रैंडमली अगर होता है, जैसे कोई पब्लिक भीड़ होती है, भीड़ में चलना तो एक दूसरे को कोलाइड्स होके चलना होता है, उसी तरह से व्हेनेवर देयर इज अ मोशन ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल्स अगेन एंड अगेन, पॉजिटिव आयंस करोड़ों एटम्स है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने पढ़ा था 1 कूलम्स कैरिंग और 1 एम्पियर करंट कैरिंग 6.25 × 10⁻²⁸ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू दिस वी ऑब्जर्व दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन 6.25 × 10⁻²⁸ इलेक्ट्रॉन्स, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल अगेन एंड अगेन, राइट, डायरेक्शन चेंज अगेन कोलाइड, डायरेक्शन चेंज अगेन कोलाइड, ऐसे जाएगा ऐसे कोलाइड होगा, ऐसे कोलाइड होगा, बहुत ही ज्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगेन अगेन वो कोलिजन करते रहते हैं और आफ्टर ईच कोलिजन वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोलाइड्स हुए तो यहाँ पर कोलाइड्स हुए तो डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर यहाँ पर इधर हो गई, ऐसे हो गई तो इधर हो गई, ऐसे डायरेक्शन ही चेंज करते हैं। It means that the average velocity of the electron inside the conductor is zero. सभी electrons के velocity अगर calculate की जाए, each and electrons as possesses a different velocity in different direction. Whenever the average velocity of electron, means suppose आप अगर एक electron है उसके velocity आप u1 ले रहे, u2 ले रहे, u3 ले रहे, तो u1, u2, u3 average निकालेंगे upon number of electrons करेंगे तो average velocity कितनी आएगी? Zero. अगर वेलोसिटी जीरो आ रही है मतलब वहां पर चार्ज की पोजीशन क्या हो जाती है? रेस्ट हो जाती है, एक दूसरे की वेलोसिटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसी वजह से करंट एस्टेब्लिश नहीं होता। और हमने पढ़ा क्या है, रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज अ करंट, तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज एवरेज वेलोसिटी जीरो, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो जीरो है, जैसे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में कंडक्टर में प्रेजेंट है, देयर इज अ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, दोस इलेक्ट्रॉन्स हैव एवरेज वेलोसिटी जीरो, नो डाउट, बट एवरी इलेक्ट्रॉन्स हैज आल्सो वेलोसिटी जीरो, एवरी इलेक्ट्रॉन, हर किसी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो वहां पर उसके एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। इलेक्ट्रॉन्स हैज अ रेस्ट एट द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो ऐसा आपके दिमाग में आएगा, सर करंट जनरेट नहीं होता होगा, रैंडम मोशन है, फ्लो ऑफ चार्ज तो हो रहा है, ऐसा आप सोचेंगे, यू ऑब्जर्व दैट सर रैंडम, व्हेनेवर देयर इज रैंडम मोशन चेंज डायरेक्शन कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयंस, सभी फिनोमेना तो हो रहा है सर, फ्लो ऑफ चार्ज भी हो रहा है, तो करंट जनरेट नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, करंट जनरेट, दैट करंट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिस्ट करंट, और ट्रांजिस्ट करंट, जैसे कि आप कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया ले लें और 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो इस दिशा में करंट जनरेट कर रहे हैं ट्रांजिस्ट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट जनरेट हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ट्रांजिस्ट करंट एक दूसरे को खत्म करे, इसलिए I = 0।
I is equal to 0. Transistor current is generated, but whenever there is a transistor current are moving, suppose यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर भी उसी तरह से ट्रांस करंट डेवलप हो रहा है, मतलब डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है ना, कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयंस, डायरेक्शंस आर चेंज, ट्रांजिस्टर करंट जनरेट हुआ, इसको खत्म कर दिया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो. दैट्स व्हाई देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो वहां पर करंट एस्टैब्लिश नहीं होगा, राइट? तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो. जैसे जितने अगर ऐसा होता तो सभी आयन रॉड, जैसे हम आयन रॉड के बगल में से ऐसे जाते, पास से नियर अबाउट जाते तो हमें शॉक लगती, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट जनरेट करते, बराबर? तो ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? कि जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट नहीं होता है. और यही टॉपिक हम अभी हमने ये देखा है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट नहीं होता है. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. अभी अगला लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक कंडक्टर था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंड इन द कंडक्टर, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये हमने कंसेप्ट क्लियर की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है कंडक्टर में, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होता. इन दिस लेक्चर we studied about when electric field is applied to the conductor. Electric field applied to the conductor, how the current is generated inside the conductor. In electrostatic, we discuss whenever there is a conductor, external electric field is applied. जैसे कोई कंडक्टर है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, एट दैट टाइम सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एट दैट टाइम द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हैज एक्यूमुलेट हियर एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हियर. जैसे हम पोलराइजेशन में पढ़े थे, पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई की तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो चार्ज एक्यूमुलेट होता है, मतलब चार्ज इंड्यूस होता है. तो यहाँ पर अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कंडक्टर, एट दैट टाइम देयर इज अ चार्ज एक्यूमुलेशन फिनोमेना इज डन. And due to the charge accumulation phenomena, the induced electric field is generated inside the conductor. And this induced electric field exactly equal to the opposite direction of external electric field. Means E induced is equal to minus E external. Means due to the external electric field, the charge accumulation is done. And due to the charge accumulation, induced electric field inside the conductor is generated and it is exactly equal to the external applied electric field in opposite direction. External electric field is direction mein, to induced is direction mein hogi. Dekho, induced is direction mein hogi, right? To ek dusre ko dono khatam karte hai, matlab destroy karte hai. Isiliye hum kehte hai inside the conductor electric field is zero in electrostatic. Electrostatic we studied about this phenomena. E induced, E external, both are opposite and both are same, equal in magnitude but opposite in direction. That's why they are cancels to each other, and that's why we can say that the conductor does not contain any electric field inside. Therefore, E is equal to zero.
इन द सेम वे, जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर दिया हुआ है, बैटरी और सेल उसे कनेक्ट की है. व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू बैटरी और सेल अप्लाइड टू द कंडक्टर एट दैट टाइम वी ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव. कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकंसेप्चुअल हो जाता है. मिसकंसेप्शन इज बैटरी डज नॉट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाती, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं सप्लाई करती, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को चलाती है. मिस द रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू द बैटरी. फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन ड्यू टू द बैटरी. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट जनरेटेड बाय द बैटरी. कंसेप्ट ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी चलाती है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं करती. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जनरेट होता है. सब कॉपर की वायर है, आयन है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट्स द फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यू ई ऐसा फोर्स आएगा. दिस इज द फोर्स, पॉजिटिव फोर्स. नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर ऐसे आएगा नेगेटिव क्यू ई राइट. इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्टेड by the electric force exert due to electric field on the free electrons. Electrons are starts to accelerate from positive terminal to negative terminal. Right? Free electrons are accelerate towards the positive terminal. Towards the positive terminal. Electrons देखो, electrons accelerate हो रहे हैं positive terminal की तरफ. Means electron possesses a velocity, no doubt. Accelerate हो रहा है मतलब velocity change हो रही है. तो वहां पर एक्सलरेशन जनरेट होके टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे राइट. एज अ फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव देन कोलाइड्स अगेन एंड अगेन विद द पॉजिटिव आयंस देन मेटल्स इन अ मेटल्स ईच कोलिजन डिस्ट्रॉय द एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसे समझते हैं राइट. हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज राइट. फोर्स पर यूनिट चार्ज. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू व्हाट क्यू ई एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू व्हाट एम ए. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम ए. देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू क्यू ई. दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज ड्यू टू द लॉज ऑफ मोशन फोर्स एग्जर्टेड ड्यू टू एक्सेलरेशन. Therefore, A is equal to QE upon M. And this is the acceleration of charge. Means, charge is accelerated towards a positive terminal with this acceleration. With this acceleration. Q is charge, E is electric field, M is the mass of electron. Right? Electron hai, isliye electron ka mass hai. Right? This is the acceleration of electron, which is accelerate towards the positive terminal. Then, अभी इसे समझते. Free electrons move and then collides again and again with positive ions. Right? How it is collides with the positive ions? Then listen. जैसे electrons को conductor को free electric field apply की external electric देखो conductor है. इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुआ. मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ गई. व्हेनेवर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ. इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने से जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला राइट. सपोज जैसे ये कंडक्टर है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक बैटरी और कनेक्ट की. यहां पर ये एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये पॉजिटिव आयंस हुआ राइट. व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड
force is exerted, electrons are ejected. Electrons are ejected from the atom. At that time, it becomes a positive ions, right? Accelerate होगा, positive ions बनेगा, तो इसे और खींचेगा. ये positive ions इसे खींचेगा. It is attracted. It attracted by the positive ions. Free electrons attracted by the positive ions means they are collides with each other. Means they are collides with each other. Collision means what? Collisions means what? एक दूसरे टक्कर लेना नहीं. Collision means what? There is a effect of velocity. There is an effect of momentum. Collision is a effect of velocity, effect of momentum. And at that time, each and every time this phenomena is repeated. Electric force is applied, then electrons are ejected, then positive ions are formed, then positive ions attracted the electron. जब electrons बाहर निकलता है तो उसकी velocity ज्यादा होती है और positive ion से collision होने से उसकी velocity down हो जाती है. तो ऐसे मतलब जैसे भीड़ में से निकल रहा है, उसे निकलना है लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मतलब करंट को फ्लो करना है, तो उसे कहा जाता है कि आप भाग नहीं सकते. आप जितनी वेलोसिटी ज्यादा करोगे कोलिजन की वजह से वो डाउन होती जाएगी. जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी डाउन होती जाएगी. वेलोसिटी इंक्रीज अगेन डाउन इज कोलिजन ड्यू टू द कोलिजन. वेलोसिटी इंक्रीज अगेन डिक्रीज ड्यू टू द कोलिजन. वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन कोलिजन की वजह से कम होती जाएगी. Means electrons are moving finally a very very small velocity, a very very small velocity, average velocity, and that velocity is called as a drift velocity. मतलब electron flow होते हैं conductor में तो due to the drift velocity होते हैं और due to the drift velocity electrons are flowing through the conductor. At that time the velocity is of the order of 10 raised to minus 4 and 5 meter per second. देखो, हमने जब पिछले आर्टिकल में देखा था कि थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी है वो 10 raised to 5 meter per second है और यहाँ पर कितनी कम हो रही है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है लेकिन धीरे धीरे कोलाइड्स की वजह से, कोलिजन की वजह से वेलोसिटी हमेशा कम होती जा रही है. इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती और कम हो जाती है, कोलिजन की वजह से और बढ़ती और कम हो जाती है. इसका मतलब अगर जाना है, अगर फ्लो होना है वो वही तरीका है. जीवन में शांति से चलो, शांति का मार्ग अपनाओ, शांति से चलो. आप अगर जितना आप साइलेंटली ट्रैवल करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा. इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमें कह रहा है कि नेचुरल फिजिक्स इज़ नेचुरल साइंस, दैट्स व्हाई वी स्टडीड अबाउट दिस आर्टिकल. अपने जीवन में भी इसे उतार सकते हैं कि अगर हड़बड़ाहट करोगे, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कहीं तो भी आपका कोलिजन हो जाएगा और आप वहां पर स्टॉप हो जाओगे. मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे यहां पर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एक्युमुलेट होते हैं उसी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट होती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैटरी लगने की वजह से चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप हो गया. मतलब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आ गए, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं तो वो यहाँ पर रुकते नहीं, एक्युमुलेशन नहीं होता तो इसमें से वो ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो यहाँ पर एक्युमुलेट नहीं होते, एक्युमुलेशन स्टॉप हो गया. वायर कंडक्टिंग है तो वहां पर वो यहाँ पर आ जाते हैं. मतलब यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप होता है इसलिए अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती. मींस ई इंड्यूस इज जीरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होती है वो भी जीरो हो जाती है ड्यू टू द स्टॉपिंग ऑफ चार्ज एक्युमुलेशन. हमारा ध्यान में बैटरी नहीं होती है तो ई इंड्यूस होता है अंदर, और अंदर इंड्यूस होता है एक्सटर्नल फील्ड वहां पर होती है तो ई जीरो हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक. But in case of current electricity, we apply the external battery to the terminal. That's why the charge accumulation is stopped due to the conducting wire. Means there is no induction of electric field inside the conductor. And that's why electron is flow due to the drift velocity. Electron ki velocity badhti hai, no doubt, badhti hai. पर उससे कोलिजन की वजह से अपनी वेलोसिटी हमेशा ड्रॉप करते चलना पड़ता है, इंक्रीज डिक्रीज. और फिर बाद में जब ये सब कोलिजन्स एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं और उस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं,
डेड वेलोसिटी और उसकी ऑर्डर क्या होती है 10^-4 मीटर पर सेकंड. एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड्स व्हेनेवर द रिलैक्सेशन टाइम भी हम डिफाइन करते हैं. रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पिन बिटवीन टू कोलिजन. ऐसे हमने भी पढ़ा कि पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं तो वही उसे खींचता है, कोलाइड्स होता है. तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. द एवरेज टाइम ऑफ इंटरवल इलेक्ट्रॉन स्पिन बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल 10^-4 सेकंड. 10^-4 सेकंड रिलैक्स रहता है, बाद में क्लॉड होता है. ऐसा रिलैक्सेशन टाइम से हम पढ़ सकते हैं, उसे टाउ से मोह से डिनोट करते हैं, राइट. आपको हम आशा करते हैं, आई होप दिस टू आर्टिकल्स आर यू लिसन वेरी वेरी कंसेप्चुअली. पहले हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वहां पर करंट जनरेट नहीं हुआ. करंट जनरेट हुआ तो ट्रांजिस्ट करंट बोलते हैं, दोनों एक साइड दोनों साइड में जनरेट अपोजिट एक्शन में जनरेट होता है तो वहां पर करंट जीरो हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर करंट कंडक्ट क्यों होता है? ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट थर्मल एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स होने के बाद, जैसे यहाँ कोलाइड्स हुआ, यहाँ कोलाइड्स हुआ, यहाँ कोलाइड्स हुआ, यहाँ कोलाइड्स हुआ, तो सपोज इनिशियली यहाँ था तो फाइनली यहाँ आया, तो ये जो ड्रिफ्टिंग हुआ है कोलाइड्स होने के बाद, ऐसा कोलाइड्स होने के बाद अगर ड्रिफ्टिंग हुआ है तो ये ड्रिफ्टिंग किसकी वजह से है? नॉट ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से ही होती है. इलेक्ट्रॉन गॉट द इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल एनर्जी बट द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स करंट इज रिक्वायर्ड, करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल वेरी मच. तो हमें मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे. अभी बहुत से बच्चों के रिक्वायरमेंट्स भी आ रहे हैं, CBSE के बच्चों भी बोल रहे हैं कि हमें भी फिजिक्स के कई चैप्टर्स 9th 10th में वो भी पढ़ाइए सर. अभी 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें भी पढ़ाइए सर. उनके सबके लिए हम आगे नए नए वीडियो लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यही आपको विनती है. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच.